तो भाई बोनी को लेने के जा रहे हैं बोनी के घर। ये देख लो क्या जबरदस्त शानदार नमकीन बन रही है यहाँ। तो भाई हम बोनी के घर पहुंच चुके हैं और ये बोनी है, इसकी आड़ देख लो कितनी सारी है भाई। मच्छी आ गई है भाई गर्मा गर्म। तो भाई इसकी माँ ने क्या रुपए दिए तुझे जाने के लिए घर? 3 लाख। भाई ये देख लो क्या झरना बना दिया टोल का। मौज कर दी मौज कर दी मौज कर दी। तो भाई कहाँ सा है नान भाई? यार टोल इतनी मशहूर है, कहाँ था ये भाई? फोटो वाली था। तो भाई लोगो आज है संडे और संडे में हम जा रहे हैं क्या करने? तो भाई बोनी को लेने के जा रहे हैं बोनी के घर, और भाई मिलते हैं वहाँ पे जाके, दिखाएंगे आपको बोनी का घर और बोनी भी दिखाते हैं कितनी छोटी कितनी बोनी है। एक सी भाई छोटी ही बोनी है, बड़ी बड़ी बोनी। चल भाई देखो छोटी बोनी बड़ी बोनी है। तो भाई कुणाल और मैं जा रहे हैं और हमारी गाड़ी तैयार है और चलते हैं भाई। अभी आप भी जाओगे? चलो चलो हम नहीं लेकर जाते, चलो 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 भाई कुणाल हम नहीं जा रहे लेकर। तो भाई हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है और इस पे जाने वाले हैं हम लोग। भाई ये बिल्लू पिल्लू और पिल्ली यार खेल रही है यहाँ पे गेम वाम वीडियो देख रही है। हाँ भाई चल ले गया कहाँ सी? अरे उन्हें तो लेकर आ रहे, क्या खा क्या खाओगी बता? बलगल जीजा बल पिज्जा बलगल हाँ चिकन बिरयानी बनाएंगे थाल लिए ठीक है पिज्जा। चलो भाई चलते हैं भाई, कुणाल ने बैग वैग टांग लिया चलते हैं भाई चलो भाई। तो भाई अभी अभी बोनियर के लोकल बाजार में रुका हूँ और उनके लिए समोसे पैक करा लिए हैं। तो भाई ये इनके यहाँ की मशहूर दुकान है राकेश स्वीट शॉप। तो भाई यहाँ की नमकीन भी बड़ी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। ये देख लो क्या जबरदस्त शानदार नमकीन बन रही है यहाँ पे राकेश स्वीट शॉप पे। बोनियर के लिए हमने समोसे ले लिए और अभी हम लंडोरा में हैं और इधर से आगे जाना है लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर ही गाँव है भाई इनका। भाई हम बोनी के घर पहुंच चुके हैं और ये बोनी है, इसकी आड़ देख लो कितनी सारी है। तो वास्तव में ये बोनी है भाई। तैयार होगी तू? चल फिर, और ऐसा तो जानते ही होंगे फार्मर किसान को। और भाई ये बोनी का घर है भाई, यहाँ पे बारिश का पानी भर जाता है ना नदी जब आती है। चल हाँ तो बारिश में नदी का ही तो पानी आओ, कहीं नदी में बना पाओगा। तो भाई मच्छी आ गई है भाई गर्मा गर्म और दावत लग गई उल्टी सीधा हाथ पड़ गई। क्या तो हमें पहले चावल मिल ले तेरे मुँह में मच्छी आधी किलो की मार के लेना तू बंगला तू खा गई क्या? तो भाई मच्छी देख रहा था बहुत मस्त लग रही है ना बेहतरीन। तूने ही बनाई है? जी वाह गजनी के हाथ की मच्छी भाई तगड़ी फंस गया कोई ना दिखी थी क्या? चलो भाई मैं टेस्ट करता हूँ उसके बाद बताऊंगा। ये वो भाई दुनिया का सारा नमक इसमें ही है भाई। ये जुगाड़ पानी देखने का देख लो ट्रैक्टर पे जुड़ गया चल लो काम। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बोनी को लेकर। बोनी बैग बुक उठानी कौन? तो भाई इसकी माँ ने क्या रुपए दिए तुझे जाने के लिए घर? 3 लाख रुपए। झूठ बोल ली? 30 रुपए आए 30 रुपए दे। तेरे 10 रुपए इस पर टोटल कितने दिए तुमने सर? 4.5 लाख। 30 रुपए दिए थे 30 रुपए लेके चल दिए भाई। चलिए क्या ढाई पन्नी कॉपी मेरी चलो जी। पर मैं कुत्ता पड़ा नहीं पता लग रहा कुत्ता भेड़िया क्या। तो भाई अभी हम थोड़ा नहर के किनारे रुक चुके हैं ना, इतनी गर्मी लग रही थी भाई धूप। और भाई यहाँ का नहर का पानी भर के ले गए बोनियर और यह नहर किनारे कैसा पानी था? बोनियर ठंडा था ना? हाँ। तो भाई पीने में भी अच्छा लगता है और बहुत ठंडा पानी रहता है यहाँ का ना। और भाई गर्मी में ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो अच्छी और क्या बात रहती भाई। गुनाल पी लिया? तो भाई गर्मी इतनी तेज पड़ रही है ना तो रुकना पड़ गया भाई, पैर ऐसे झुलस गए ना बहुत बुरी तरह। और भाई गर्मी अभी एक दिन बारिश हुई हल्की उसके बाद कुछ नहीं,
अभी थोड़ा पानी पूनी पी लिया और अभी चलते हैं आगे यहाँ पे। तो भाई गर्मी इतनी है ना, तो सारे यार दोस्त मिलके नहाने के लिए आ गए भाई टोल में। और अभी लगभग 4 बज रहे हैं, 4 बजे की धूप देख सकते हैं कितनी भयानक लग रही है। ऐसा लग रही है ना, 1 बजे टेम्परेचर कितना हो रहा है हमारे यहाँ भाई, 46-47-48 डिग्री। और भाई पूरे भूनिए ना थोड़ी देर में। और भाई ये वही टोल है जिसमें हम रात को 11-11 बजे तक नहाने के लिए आए हैं। तो आज ये दिन में हमें चली ही मिल गई, तो भाई आज इसी में ही नहाएंगे। तो भाई साफ सुथरी टोल है भाई, स्विमिंग पूल वाली। और ये देख लो क्या मस्त टोल है भाई। भाई गम्मा के नज़ारा है जिंदगी के, देसी स्विमिंग पूल। और भाई इतनी साफ सुथरी है, देखो पानी कैसे चमक रहा भाई, बेहतरीन वाला मजा आ रहा पूरा। टेम्पू रखा ओहो, क्लियरिटी देख लो भाई साहब। देख लो क्या मस्त मस्त, बिल्कुल मोतिया चमक रहा है भाई पानी। वो बंदा लगा दे, बंदा गुंडे बैठ जा तुम। अरे आगे भाई, ये देसी स्विमिंग पूल और भाई सब साफ सुथरा ना, बेहिसाब मजा। और ऐसा मजा गाँव में मिलेगा, शहरों में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर शहरों में मिलेगा तो रुपये भी दो और पेशाब का पानी मिलेगा। पूरी भर दूंगा भाई ये देख लो क्या झरना बना दिया टोल का। अब भाई इतने मजे यार काम ही मिलेंगे भाई बेसाब। ये भाई अजी क्या कहने, मौज कर दी गर्मी दूर कर दी, बैठे गजब। चलो भाई एंजॉय कर रहे। तो भाई ये देख लो, हम 4 बंदे आए थे, कितनी जनसंख्या होगी भाई, 8 ही हो एक बार, कितने हो गए यहाँ। ये भाई इतने बंदे पहुंच गए ना, और गर्मी अब भी मिट नहीं रही, गई गर्मी तो नहीं। भाई ये लोंडे देख लो, और 2 लोंडे वहां खड़े पूरे। भाई गांव का इतना मजा ही है यार, पूरे टोल में नहा रहे हैं फटाफट। और भाई गर्मी ने पूरा हाल कर दिया ना, ये देख लो भाई साहब। और आज के ब्लॉग में इतना मस्त आ रहा है ना, एक लोंडे पड़े भाई, और भाई पूरा चिल कर रहे भाई देसी जिम। भाई कहां सा, कुवैत सा, सऊदी सा, सैपले का? तो भाई अभी सैपले का। तो भाई कहां सा है नान भाई, यार टोल इतनी मशहूर है, कहां था ये भाई, फोटो वाली था? हाँ भाई कहां था ये, शंकरपुरी था, तो कहां था सैपले का? बिंदु खड़क था। चलो भाई लो मजा। तो भाई नहा चुके हैं, और नहा के भाई ठंडे हो गए 1 घंटा, और मजा पूरा आ गया। अभी घर की तरफ निकलते हैं, और भाई व्लॉग को भी एंड करते हैं।